आपकी टीम की जो परफॉर्मेंस है, वाहिद टीम है इस वक्त जिसने अगले राउंड तक आज तक क्वालिफाई किया, अब आगे मैचेस होंगे, आगे दूसरी टीमें भी आएंगी, तो आप इसका किसको क्रेडिट देंगे? I think credit goes to all the management and whole player unit के जिन्होंने जो है वो एक टीम होके फैमिली की तरह, एक यूनिट की तरह, जिसको हम कहते हैं कि यार एक टीम होके जो है वो हम खेल रहे हैं. तो क्रेडिट गोज ऑल ऑफ द संबद यूनाइटेड फैमिली, स्पेशली द कप्तान शादाब खान, द वे ही डूइंग हिज कैप्टेंसी, आई थिंक ब्रिलियंट. जिस तरह वो अपने प्लेयर्स जब वो काम ले रहा है, तो आई थिंक सबसे ज्यादा क्रेडिट तो मैं शादाब खान को ही दूंगा, क्योंकि ही इज अ यंग और बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है. और ऐसे प्रेशर सिचुएशन में कि जब वो लास्ट पहली टीम जो बाय, फिर जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट में उसके ऊपर स्टिल जो है वो फेथ किया, बिलीव किया कि आप फिर से टीम जो है वो उसको लीड करेंगे, तो आई थिंक बहुत अच्छी कप्तानी वो कर रहा है और बहुत अच्छा एक माहौल बना हुआ है फैमिली की काइंड की तरह यहाँ पे, और बड़ी अच्छी चीजें हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से हम जो है वो अभी तक जो है वो टॉप पे है. शादाब आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो एक दोस्त जब कप्तान बनता है तो क्या उससे फर्क पड़ता है? क्या वो फील्ड में वो सख्ती दिखाते हैं आपको, या बस वो दोस्ती का थोड़ा लिहाज कर लेते हैं? देखिये नहीं, एक सबसे बड़ी जो चीज है कि जब आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो आपका दोस्त बने तो आपकी कम्युनिकेशन और बेहतर हो जाती है. तो अभी तक मैंने जितने भी इसकी अंडर कैप्टनसी के मैच खेले, हमारा कम्युनिकेशन बहुत है. इवन कि मैं बहुत दूर भी खड़ा हूँ तो कोई भी इशारे में भी बात हम जो है एक दूसरे से कर लेते हैं. और बाकी जहाँ पे सख्ती का टाइम आता है वो सख्त भी होता है, जहाँ पे नरमी का टाइम आता है वो नरमी भी दिखाता है. तो ये तो चलता रहता है. ऊपर से हम पाकिस्तानी, आपको पता है कि सख्ती तो जरूर हम दिखाएंगे, और जो है वो फिर साथ साथ जो है वो भी चलता रहता है. फास्ट बॉलर्स को गुस्सा बड़ा आता है, लेकिन आपकी शख्सियत बिल्कुल अलग है. आप हंसी मजाक करते रहते हैं ग्राउंड में, आपके ऊपर जब कैमरा आता है आप कोई ना कोई मजाक कर रहे होते हैं, तो इसका क्या राज है? असली भाई देखिए, एग्रेशन है और मेरे अंदर फास्ट बॉलर में होना चाहिए मेरे ख्याल से. अगर फास्ट बॉलर के अंदर एग्रेशन ना हो तो वो फास्ट बॉलर नहीं लगता. दूसरी ये चीज के बिल्कुल मैं इंजॉय करता हूँ अपनी क्रिकेट को, अपनी लाइफ को, और मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी पल हो, जो भी आपको मोमेंट मिले, आप उसको इंजॉय करें अच्छे तरीके से. बट ये है कि किसी का दिल ना टूटे, बाकी आप अपनी लाइफ है, आप उसको अच्छी तरह से इंजॉय करें. तो कोशिश करता हूँ कि जब फील्ड में हो फील्डिंग कर रहा हूँ इंजॉय करूँ, जब बैटिंग आए बैटिंग को इंजॉय करूँ, इवन कि अगर बाहर बैठा हुआ हूँ तो उसको भी इंजॉय करूँ, ताकि जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो एक खुशगवार मूड में रहे और जो प्रेशर है वो जो है वो फील ना हो किसी को. PSL में जाहिर है अपने मुल्क के सारे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, स्टार्स भी होते हैं. आप फास्ट बॉलर हैं, कभी आप बॉलिंग कर रहे हैं, किसी अपने सीनियर प्लेयर को आप बाउंसर मार दें, तो उसके बाद जाके उसको क्या करेंगे आप? अगर वो आपसे कहे कि यार तुमने ऐसे बाउंसर मार दी, हाल पूछो मेरा आके, तो गुस्सा करेंगे आप या हाल पूछेंगे? सलीम भाई देखें, एज ए प्रोफेशनल आप आपका हक बनता है कि आप अगर किसी को हेलमेट पे बॉल मारते हो तो आप उसको वन सब पूछ सकते हैं, आर यू ओके, और यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है. और ऐसा नहीं है कि जाके मैं उसको हक करूंगा या उसको जो है वो उसके साथ बात शुरू कर दूंगा. इट्स अ गेम, इट्स अ क्रिकेट गेम, और कोई नहीं चाहेगा कि जो है वो आप उसको ऐसी बॉलिंग करो कि आपको उससे चौके छिके पड़े. इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. अगर किसी को हेलमेट पे बॉल लगता है तो एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप उसको पूछ सकते हो कि आप ठीक है, उसके बाद आपका काम नहीं है. मेडिकल पैनल वहां पे होता है, वो आके पूछ सकता है कि जी आपके क्या हालात है, वो कंकशन का टेस्ट ले सकता है. तो ये मेडिकल का काम है, मेरा काम नहीं है कि अगर मैंने बॉल मारा तो मैं जाके फिर उसकी ट्रीटमेंट भी करूं. अब तक जो टीमों की परफॉर्मेंस है इस्लामाबाद के अलावा, कौन सी टीम आपको ऐसे लग रही है कि ये आगे जाके खतरा बन सकती है आपके लिए, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है? देखिये जलमी एक बड़ी बैलेंस टीम है, उसकी बॉलिंग भी अच्छी है और उनके बैट्समैन भी जो है वो भी अच्छे हैं. तो आई थिंक जलमी जो है वो एक अच्छी टीम है जो वो अच्छा टफ टाइम दे सकती है. और उसके अलावा अगर लाहौर की बात करें, लाहौर की बॉलिंग बहुत अच्छी है और अभी उनकी बैटिंग उस तरह नहीं परफॉर्म कर रही, बट मेरे ख्याल से लाहौर और पेशावर जलमी जो है वो गुड बैलेंस टीम है.
पाकिस्तान टीम के लिए भी आपकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त, खासतौर पर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का टूर हो था, जिम्बाब्वे में तो आपने टेस्ट मैचों में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, तो अब लग रहा है कि खूब एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी खेल के आप, जब से फिटनेस बहाल हुई आपकी? जी बिल्कुल, देखें बहुत टफ टाइम जो है वो मैंने देखा है, 2 साल से, ऑलमोस्ट 2 साल मैं क्रिकेट से अवेयर रहा हूँ, और फिर उसके बाद जब मैंने अपनी फिटनेस इंप्रूव की, नॉट अ फिटनेस परफॉर्मेंस देके वापस आया हूँ डोमेस्टिक में, और फिटनेस भी शो की मैंने, 9 गेम बैक टू बैक खेला हूँ, और मैं खेलना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए जीतना चाहता हूँ, और पाकिस्तान मेरा प्राइड है, और मुझे बहुत फख्र होता है कि जब मैं अपने पाकिस्तान के लिए विकेट्स लेता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम कम बैक हुआ है मेरा, जिस तरह पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट मैंने 10 10 विकेट, साउथ अफ्रीका में जाके 20 में जो है वो मैंने 7 आउट किए, हाईएस्ट विकेट टेकर था वहां पे, फिर जिम्बाब्वे में टफ कंडीशन में जिस तरह की स्लो पिचेस थी वहां पे आउट किए, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है कि आने वाले टूर्स में जो है यही परफॉर्मेंस मेरे लिए जो है वो कॉन्फिडेंस बनेगी, और मैं और अच्छा परफॉर्म करूंगा अपनी टीम के लिए। आमतौर पर प्लेयर्स ऐसा करते हैं कि T20 लीग को तरजीह देते हैं और टेस्ट क्रिकेट से दूर रहते हैं, लेकिन आपके हवाले से ऐसा लगता है कि आप टेस्ट में बड़ा एंजॉय करते हैं, परफॉर्मेंस से भी लगता है और ग्राउंड में जिस तरह आप जान लगा रहे होते हैं उससे भी लगता है? सलीम भाई देखे, मेरा हर किसी का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और मेरा ये थिंकिंग है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, और हर कोई चाहता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, जो लीग से वो ज्यादा पैसा आता है, बट मेरे नजदीक मैंने जो भी लीग्स एक दो खेली हैं, और लीग्स वाले भी हमेशा उसी प्लेयर्स को पिक करते हैं कि जो करंट अपने कंट्री से खेले, और जितना मैं अपनी कंट्री के लिए सर्व करूंगा उतना ही मेरे लिए प्राइड मोमेंट है, और आई रियली लाइक टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, इट्स अ टफ गेम बट टेस्ट क्रिकेट ही रियल गेम है, और मेरे नजदीक जो है वो टेस्ट क्रिकेट रियल टेस्ट है, जहाँ पे आपके पेशेंस जो है वो टेस्ट होते हैं, आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है, आपकी फिटनेस टेस्ट होती है, और आपकी इवन के स्किल भी टेस्ट होती है टेस्ट क्रिकेट में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रेड बॉल क्रिकेट खेलना, और जिस तरह मैंने बात किया कि कंट्री कम फर्स्ट, और हमेशा कंट्री को प्राइड दूंगा, क्योंकि कंट्री ने जब मुझे इतनी इज्जत दी है, इतनी रिस्पेक्ट दी है, मेरी कंट्री की वजह से मेरी फैमिली को मैं टेक कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से, तो मैं तो हमेशा इसी प्रेफर करूंगा कि मैं अपनी कंट्री के लिए जो है वो खेलूं। वकार यूनुस ने ये भी कहा था कि हसन अली मिसाल हैं प्लेयर्स के लिए जो देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करके आप कमबैक कर सकते हैं। आपने कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, फाइनल आपने टाई करवाया, उसमें आपने बड़ी जबरदस्त बैटिंग में भी अच्छा खेले थे आप, तो क्या यंगस्टर्स को जो टीम से जिनको मौका नहीं मिल रहा उनको आप यही मशवरा देना चाहेंगे कि फर्स्ट क्लास खेलो और तसलसल से परफॉर्म करो, फिर मौका जरूर मिलेगा? जी बिल्कुल सलीम भाई, जिस आपने विक्की भाई की बात की, तो मैं NCAA में प्रैक्टिस कर रहा था, तो विक्की भाई मेरे पास आए कि उन्होंने बोला कि मेरे साथ भी यही मसला हुआ था 90s में, जब मेरी भी बैक का इशू हुआ था, तो मैं आई केम बैक और मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और मैं वापस आया, आई नो कि तेरे पर टफ टाइम है बट हिम्मत नहीं हारनी और हार्ड वर्क करते रहना है, और तो उसके बाद जिस तरह मैं ट्रॉफी में आया और मुझे पता था कि मुझे फिटनेस शो करनी पड़ेगी, मुझे परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, इवन कि मैं परफॉर्मेंस से टीम से बाहर नहीं था, मैं फिटनेस की वजह से टीम से बाहर हुआ था, और फिर मुझे ऑब्वियसली जब 2 साल के बाद आओ और आपको एकदम से इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको प्रेशर भी आता है, तो फिर इसलिए मैं डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर खेला, और जिस तरह मैंने बैक टू बैक अपने करियर में पहली दफा डोमेस्टिक इतने लंबे जो है वो बैक टू बैक 9 मैचेस खेले, तो यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज है कि इफ यू रियली वांट टू प्ले क्रिकेट और पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हो तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक क्रिकेट आपको बहुत कुछ सिखाती है, वहां पे आपका जो है वो टेम्परामेंट जो है वो जो है टेस्ट होता है, आपकी स्किल टेस्ट होती है।